आरएसएस और बीजेपी के लोग हमारी वोट की चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग नहीं आए मानेगा तो हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। ईवीएम मशीन 2024 में फोड़ेंगे। हम 4 लाख लोग आए ये देश में विरोध करने के लिए। बैलेट पेपर से मतदान चाहिए। हमारी जिंदगी बर्बाद किए है भाजपा सरकार ने और आरएसएस ने। मोदी चाहता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बैलेट पेपर लाना पड़ेगा। मंदिर से भिखारी पैदा होंगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं। क्योंकि हमारे वोट की चोरी हो रही देश में, इसलिए हम मशीन फोड़ेंगे। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। देश नहीं बदल रहा है, मोदी देश बदल रहा है। देख लीजिए कि जनसंख्या लोग हमेशा यही पूछते हैं, लोगों को कुछ नहीं चाहिए, भाईचारा चाहिए। तो यहाँ आप सबूत देख लीजिए, आज इसके घर में हुई, आज इसके घर में हुई। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जिसके घर में यहाँ पे पुलिस की ठटाका नहीं लगा रहे। मैं आपको कहना चाहूंगा, देश के विरोध में आ गए हैं और भारत सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। सीधे इधर महिलाएं हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम क्या कहेंगे, क्यों विरोध में आए हैं? हम ईवीएम के विरोध में आए हैं। इस देश में बैलेट पेपर चाहिए। अदर कंट्री में ईवीएम मशीन का विरोध हो रहा है, हमारे भारत देश में बैलेट पेपर से मतदान का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए हम विरोध करने के लिए आए हैं। ये 4 लाख लोग आए ये देश में विरोध करने के लिए। बैलेट पेपर से मतदान चाहिए बस। जो आज दिल्ली में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर के नीचे माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने ये चुनाव आयोग पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, ये हमारे हमारी जिंदगी बर्बाद किए है भाजपा सरकार ने और आरएसएस ने। और भाजपा सरकार तो कहती है महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं और आप कह रहे हैं कि जिंदगी बर्बाद कर। नहीं मैडम, ये खाली दिखावा है, क्योंकि हमारे संविधान की संविधान में जितने हमारे लिए आर्टिकल थे एक एक करके उन्होंने हमारे खत्म कर दिए है। और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उनका भविष्य भी इन लोगों ने बर्बाद किया है। इसलिए इसके बाद ईवीएम बंद और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करना चाहिए। क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 में भारत में इतिहास में ये हुआ है कि चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसलिए आप सब ये इकट्ठे हुए हैं और ईवीएम बंद नहीं है, बंद नहीं है। ईवीएम मशीन 2024 में फोड़ेंगे। हम चुनाव मशीन ही फोड़ देंगे। चुनाव आयोग आज्ञा ही नहीं है। चुनाव आयोग नहीं आए मानेगा तो हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे 2024 में। सीधे जनता में ही दिख रहे हैं कि वो ईवीएम मशीन फोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे और भी शख्स है, उन्हीं से जान लेते हैं क्या कहते हैं। अगर मोदी सरकार चाहती है कि ये भारत विश्व गुरु बने तो पूरे ग्लोबल लेवल पर बेल्ट पेपर यूज होता है। अमेरिका जैसे, जापान जैसे ईवीएम बनता है, पर जो वोट पड़ता है वो बेल्ट पेपर से पड़ता है। तो पूरे अगर मोदी चाहता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बेल्ट पेपर लाना पड़ेगा। विश्व गुरु बना दिया है उन्होंने, देश के डंके बज रहे हैं। जो G20 में आपने देखा नहीं है क्या? अरे विश्व गुरु कहाँ बना, विश्व गुरु तो ये बैठे हैं, इन्होंने बनाना है। ये तो सड़कों पर उलझ रहे हैं। हाँ, तो अभी विश्व गुरु नहीं बना, वो तो पब्लिसिटी है सोशल मीडिया पर, ब्राह्मण मीडिया पे है। अब हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी ये बहुत अच्छी बात है कि जनता की आवाज आपके थ्रू लोगों तक पहुंचती है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, ईवीएम जिन्होंने शुरू की वही बैन कर चुके हैं। तो फिर इंडिया में या जो प्रचलन है कि इंडिया में ना जनसंख्या ज्यादा है तो बैलेट पेपर बहुत ही मुश्किल वो होने वाला है। ईवीएम सबसे जनसंख्या ज्यादा के हिसाब से कम ही अवेयरनेस तो आए कि लोगों को इस्तेमाल करनी नहीं आती है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए पढ़ा लिखा होना भी, हाँ पढ़ा लिखा होना भी, उसको किस तरह से वो काम करती है उसके बारे में आज तक कभी कोई सेशन नहीं चलाया हमने, कभी नहीं देखा कि कभी सरकार कैंपेनिंग जो एनजीओस है, जो बड़ी बड़ी विभाग है वो इस तरह की कैंपेनिंग चलाती है ना। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि ईवीएम क्या काम करती है, इसका इंटरनल क्या प्रोसेस है, उसके बारे में पब्लिक को अवेयर किया गया। तो देखिए जिस महिला जो सुरक्षा की बात करते महिलाओं के लिए खड़े हो रहे थे, आज वही महिलाएं भाजपा सरकार के खिलाफ है और ईवीएम के विरोध में यहाँ पे खड़ी हुई है। तो क्या कहेंगे हमारे भारत की जो महिला है
वह भारत की मूलवासी महिला है। और अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो एक बीड़ी बनाने वाली महिला भी है, तो उस बीड़ी बनाने वाली महिला ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया, लेकिन भारी संख्या में भाजपा की सीटें आई, तो उस महिला का भी भरोसा ईवीएम से उठ चुका है। इसी तौर पर देखा जा सकता है कि जनता में बहुत आक्रोश और विरोध जताया जा रहा है। क्या लाखों का कारवा आ गया है। ईवीएम जो मशीन है, ईवीएम मशीन, इससे वोट की चोरी हो रही है। जैसे कोई चोरी बाइक चोरी करता है, चोर सोना चोरी करता है, महिलाओं के आभूषण चोरी करता है, और कोई जो ब्राह्मण रहते वो ज्ञान चोरी करता है, उसी प्रकार से जो आरएसएस और बीजेपी की लोग हमारी वोट की चोरी कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग 12 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी हमारे सागर जिले में 100 करोड़ का जो मंदिर का उद्घाटन करके आए थे, उसमें 100 करोड़ रुपए जो नरेंद्र मोदी जी 2013 को आरटीआई से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सरकार ने एससी एसटी ओबीसी की 2020 2021 और 2023 की छात्रवृत्ति ना देकर वो बजट पेश कर एससी एसटी ओबीसी की छात्रवृत्ति का करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ईवीएम में घोटाला होता है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की भीड़ जुटाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए बस के लिए दिए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने आंकड़े जारी किए। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है मध्य प्रदेश में, इसने 2020, 2021 और 2022 में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति ना देकर मंदिर में वो छात्रवृत्ति लगाई। और जब नरेंद्र मोदी हमारे सागर हमारे गांव गए हुए थे मंदिर का उद्घाटन करने, उस समय उन्होंने 25 करोड़ रुपए उनकी हाय भाव में खर्च किए। ये नहीं पता कि उन्होंने बोला है ना मंदिर से फायदे ही होंगे, आगे जाके और टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे देखने के लिए, पैसा आएगा। मंदिर से भिखारी पैदा होंगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं। ये भाजपा के लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं, भारत देश में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, तो इस देश में महिला 15,000 महिला ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, 15,000 महिला तैयार किया है ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे वोट की चोरी हो रही है देश में, इसलिए हम मशीन फोड़ेंगे। 15,000 महिला तैयार है भारत देश में। संविधान की शपथ लेते हैं, तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो जनता है वो खुश नहीं है इस सरकार से, और साथ ही साथ ईवीएम का भी विरोध कौन है वो देश मंत्र मंत्र के पास ही संसद मार कर यहीं पर बाबा साहब के संविधान की प्रतियों को जलाया गया। ये गुंडे मवाली लोग हैं, इन लोगों से लोहा लेने के लिए भारत की जनता आज पूरा तरीके से तैयार हो चुकी है। सारे देश में आज की तारीख में ये जनसैलाब आया हुआ है। ये जंतर मंतर तो केवल शुरुआत भर है, आने वाले समय में हर जिले के मुख्यालय पर ऐसे लाखों लोगों का मोर्चा निकाला जाएगा। हर के विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुई है। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी इन्हीं जनता के साथ हैं, और अगर आप इसके विरोध में तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइए कि हम ईवीएम के विरोध में और भाजपा के विरोध में हैं।